नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने चर्चा करने वाले हैं, देवस्थानम बोर्ड क्यों भंग हुआ, आखिरकार इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। हमारे साथ हैं ब्रजेश पांडे। ब्रजेश, आपको क्या दिखाई पड़ता है कि जिस तरह से उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? सरकार अपने ही फैसलों से पे वापस क्यों मुड़ रही है? देखिए, इसका एक राजनीतिक मायना है और वो एकदम स्पष्ट है कि सरकार किसी भी तरह उत्तराखंड के अगले चुनाव में अपनी सरकार बचाना चाह रही है। पुष्कर धामी को और भाजपा को पता है कि देवस्थानम बोर्ड बनाने के तीरथ सिंह रावत के फैसले को, त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले को लेकर खासी नाराजगी थी। मंदिर के पुजारियों में और जो ट्रस्टीज थे उनमें खासी नाराजगी थी और इसी के चलते लगातार उनका विरोध हो रहा था। आपको याद हो तो एक वीडियो आया था कि जब प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर जा रहे थे तो वहाँ पर सारे पुजारियों ने लगातार विरोध किया त्रिवेंद्र सिंह रावत का और उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। तो ये दिखाता था कि किस कदर विरोध था देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर। और पुष्कर धामी की सरकार को भी समझ में आ रहा था कि ये जो कड़ा मुकाबला चल रहा है कांग्रेस के साथ, वो कहीं हाथ से बाजी निकल ना जाए, इसलिए उसने एक प्रूडेंट स्टेप लिया देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का। ब्रजेश, अगर पिछले कुछ दिनों में देखा जाए, केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक लगातार ये दोनों सरकार, जो कि बीजेपी की सरकार है, मजबूत सरकार मानी जाती थी, वो अपने ही फैसलों से वापस लौट रही है, उसको वापस लेना पड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है, अगर उत्तराखंड की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ एक बड़ी वजह ये भी है कि कांग्रेस ने एक दाव चला और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी इस बार फॉर्मिडेबल फोर्स के तौर पर देखी जा रही है? तो क्या आपको लगता है कि तीन मुख्यमंत्री बीजेपी के सामने आए और उसके बाद सरकार अपने ही फैसले को पलट रही है, तो क्या ये सारी कवायद इन वजहों से हो रही है? बिल्कुल पंकज, जिस तरह से ये राजनीतिक कोर्स करेक्शन हम देख रहे हैं उत्तराखंड में लगातार पिछले एक साल में, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार इतनी अनपॉपुलर हो गई कि लगातार तमाम विधायक केंद्र में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने लगे और अपनी असहजता दिखाने लगे और साथ ही साथ ये भी कहने लगे कि कैसे यदि त्रिवेंद्र सिंह रावत लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे या चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ तो कैसे बीजेपी को हार का सामना करना ही पड़ेगा। उसके बाद तीरथ सिंह रावत आए, तीरथ सिंह के आने के बाद भी लगा कि स्थितियाँ कुछ बदलेंगी, ब्यूरोक्रेट्स के चुंगल से बाहर निकल कर जो MLAs हैं इनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजन से उन्हें भी जाना पड़ा और आखिरकार साल सवा साल में तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आए। अब पुष्कर धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती, दो चुनौती थी, एक तो वो जो अपने पार्टी के अंदर जो तमाम तरह की गुटबाजी चल रही उसको सुपरसीड करना और प्लस वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर उनकी अगली सरकार आने पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है या दिक्कत होती, उन तमाम डिसीजंस को वापस लेना। तो ये देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की सिफारिश, ये वहाँ पर एक लॉन्ग स्टैंडिंग सिफारिश थी। ऐसा माना जा रहा था कि जो मंदिर हैं और जो जितने भी रिलेटेड मंदिर है, करीब 53 मंदिर ऐसे हैं जो देवस्थानम बोर्ड के अंदर में आते हैं, उन सारे मंदिर के क्रियाकलापों का सरकार अपनी ओर अपनी उस कब्जे में लेना चाहती है और मंदिर के पुजारियों से उनका अधिकार छीना जा रहा है, तो इसको लेके खासी नाराजगी थी। और पुष्कर धामी को पता है कि चुनाव यदि 3 महीने दूर हो तो इस तरह की नाराजगी घातक होती है। ब्रजेश, मुझे याद आ रहा है क्योंकि हिमाचल में भी शांता कुमार ने किया था, काम नहीं तो वेतन नहीं, लेकिन सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी। ये सेम चीज़ यहाँ पर देखना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह से सरकार अपने ही फैसले को पलट रही है और विरोधी जिस तरह से हावी होते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चुनाव के समय में आपके साथ के लोग अगर आपका साथ छोड़ने लगे तो इसका मतलब है कि वो भांप ले रहे हैं कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। यशपाल आर्य बीजेपी में आए थे, याद करिए 2017 में, और मंत्री तक बनाए गए, 10 मंत्री में 5 मंत्री वो थे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। अभी यशपाल आर्य ने मंत्री पद छोड़ा ही नहीं बल्कि पार्टी भी छोड़ दिया, तो क्या माना जाए कि बीजेपी इन तमाम चीजों को भांप रही है? और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक बार सरकार कांग्रेस की तो दूसरी बार बीजेपी की, तो क्या आपको लगता है कि ये सारी कवायद जो हो रही है, बीजेपी इस मिथक को तोड़ देना चाहती है कि एक बार कांग्रेस तो फिर बीजेपी, लेकिन बीजेपी फिर से रिपीट करना चाह रही है? देखिए बिल्कुल, बीजेपी इस चुनाव को जीतना चाहती है और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बार एक जो कोहेशन जो अब तक नहीं दिख रहा था, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी नाराजगी जो विधायकों में थी वो ये थी कि सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है, उनकी जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो महज कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं और वो किसी भी तरह से भाजपा के विधायकों को कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे थे।
इसको लेके बहुत ज़्यादा नाराजगी थी और इसी के चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत हटाए गए। उनका जो उनके कई निर्णयों में से जो सबसे अनपॉपुलर निर्णय था, जिसकी उत्तराखंड में चारों ओर आलोचना हो रही थी, वो था देवस्थानम बोर्ड का गठन करना। ऐसा माना जा रहा था कि सरकार सारे मंदिर और मंदिर की संपत्तियाँ अपने अधिकार में लेना चाहती है और मंदिर को कैसे चलाया जाए और मंदिर की संपत्तियों का कैसे रखरखाव किया जाए ये सरकार डिसाइड करेगी, ये आईएएस डिसाइड करेगा, ना कि मंदिर का पुजारी जो कई सदियों से उस मंदिर की देखभाल कर रहा है। आपको याद होगा सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के राज्यसभा मेंबर है और कई मुद्दों पर सरकार से अलग राय रखते हैं, उन्होंने इसको लेकर काफ़ी अपनी आवाज़ उठाई और कहा कि सरकार को ये निर्णय वापस लेना चाहिए। अब जब चुनाव 3 महीने दूर है तो सरकार के सामने ये स्थिति स्पष्ट है कि यदि ये निर्णय नहीं लिया गया तो इस निर्णय का उनको भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। हो सकता हो फिर वो इस मिथक को न तोड़ पाए कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और इसी के चलते ये निर्णय लिया गया है। वो आपने ठीक कहा ब्रजेश, लेकिन मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये कहा था कि 53 मंदिरों को सरकार के अधीन लाने का मतलब ये है कि बेहतर समन्वय हो, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, कैसे उसमें कोऑर्डिनेशन हो, और साथ ही साथ जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है उसका एक हिस्सा पूरे राज्य के डेवलपमेंट में भी लगाया जा सके। तो मोटिव अच्छा था, लेकिन बात क्या हुई ये पॉपुलिस्ट मेजर सरकार लेने में, उस समय तो पीछे नहीं हटी लेकिन अब पीछे हट रही है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में जिस तरह से लगातार आप आक्रमण कर रही है कि कैसे एक पार्टी दूसरे पार्टी में आ जा रहे हैं लोग, एक तरफ राजकुमार और दो विधायक शामिल होते हैं बीजेपी में, दूसरी तरफ यशपाल आर्य चले जाते हैं कांग्रेस में वापस, तो आप इन तमाम मुद्दों के आधार पर आपको कैसे देख पा रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए आप की स्थिति, आप एक डिसरप्टर की स्थिति जरूर की भूमिका निभाएगी। अब देखना यह है कि वो किस पार्टी की कितना वोट खाती है और उसे कितना नुकसान होता है, क्या वो कांग्रेस के लिए आत्मघाती, कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित होगी या भाजपा के लिए जो 5 साल से शासन में है। जैसा कि आपने प्रश्न की शुरुआत में कहा था कि बिल्कुल जैसे आप वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड देखें, कई बार होता है कि आप यदि इस तरह का एक्विजिशन करती है सरकार तो चीज़ें बहुत स्मूथ होती है। लेकिन सरकार को एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, जब इस तरह के निर्णय जो जज्बात के साथ, जो आपके इतिहास के साथ, आपके धर्म के साथ जुड़े हों, उन निर्णयों में सहभागिता जितनी हो उतना बेहतर होता है। सरकार का ये निर्णय, बहुत लोगों को ये कहा गया कि हमें किसी भी तरह कंसल्ट किए बिना सरकार ने ये निर्णय ले लिया और इस निर्णय के चलते हमारे अंदर रोष था। आपने देखा कृषि कानून जैसे सरकार ने निर्णय ले लिया, दोनों राज्यों में पास हो गई, 1 साल तक स्टैंड ऑफ चला, लेकिन 3 महीने पहले बाद चुनाव है और जब सरकार को लगा कि इस चुनाव का, इस स्टैंड का हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो उन्होंने उस डिसीजन को वापस ले लिया। तो ऐसा ही कुछ देवस्थानम बोर्ड को जो भंग करने की सिफारिश जो आज पुष्कर धामी ने की है, ऐलान किया है, इनका मानना है कि स्थितियां जो काफी बिगड़ी हुई थी इससे उनको वो ठीक करने में सफलता मिलेगी। मुझे लगता है ब्रजेश, क्योंकि मैं जैसा समझ पा रहा हूं, मुझे लगता है कि 3 मुद्दे बेहद अहम है जो सरकार को कंपेल कर दिया कि आप इस फैसले को वापस ले लें। एक तो ये कि जो कांग्रेस नेता रावत हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इस बार वहां का CM कोई दलित हो, ये एक उन्होंने अनाउंस किया जिससे बीजेपी डिफेंसिव दिखाई पड़ रही है। दूसरा उन्होंने खुद कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो देवस्थानम बोर्ड भंग कर दिया जाएगा। और तीसरा जिस तरीके से आपका दखल हुआ है प्रदेश की राजनीति में उससे भी बीजेपी डिफेंसिव दिखाई पड़ रही है, और पिछले कुछ सालों में जो 3 मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया है उसको लेकर के भी बीजेपी डिफेंसिव है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरह से हरीश रावत ने एक दलित मुख्यमंत्री की बात की, जब पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री चेहरा दिया गया, और हरीश रावत खुद में काफ़ी मकबूल राजनीतिक शख्सियत है जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है। इसके अलावा देवस्थानम बोर्ड, जैसा कि हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, ये बीजेपी की गले की हड्डी बनता जा रहा था और बीजेपी को समझ में आ गया था कि यदि देवस्थानम बोर्ड का को भंग नहीं किया जाएगा और चुनाव जाएगा तो इसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है, और इसी वजह से बीजेपी ने यह निर्णय लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कांग्रेस के पास इस तरह का एक कंटेंशियस मुद्दा रहे जो चुनाव में बड़ा और विकराल मुद्दा का रूप भी धारण कर सकता है। और तीसरी बात, बिल्कुल आम आदमी पार्टी इस बार बड़े दमखम से चुनाव लड़ने का और कई सीटों को जीतने का वादा कर रही है, तो अभी तक चुनाव 2 तरफा होता था, इस बार चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है, तो ये बेहद दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल खुद में कितनी सीट जीतते हैं एक, और दूसरी कि वो कितनी किस 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 पार्टी की कितनी सीट कम करवाते हैं, इसमें भी उनकी एक प्रमुख भूमिका रहेगी। राजनीति भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है ब्रजेश, क्योंकि यही हरीश रावत
जब खुद सीएम बनना चाह रहे थे और उस समय पीसीसी अध्यक्ष दलित थे, तो उस समय उन्होंने इस प्रपोजल को आगे नहीं रखा, लेकिन अब वोटों को खींचने के लिए ये प्रपोजल बहुत तेजी से आगे रख रहे हैं और बीजेपी डिफेंसिव दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो पुरोहित हैं उनका ये भी कहना था कि अगर बीजेपी अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो बीजेपी के खिलाफ प्रचार भी करेंगे और बना तो 15 उम्मीदवारों को खड़ा भी करेंगे। अब बिल्कुल निश्चित तौर पे, और ये जो जिस तरह की भावनाएं सामने आ रही थी और जिस तरह से पुजारियों के बीच खासा रोष था और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार उत्तराखंड में बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रही थी, 3 मुख्यमंत्री बदलना, ये साफ दिखा रहा था कि बीजेपी का ग्रिप नहीं है जहाँ तक उत्तराखंड की बात है। यदि आपकी स्थिति खराब नहीं होती तो आप इस तरह से 3 मुख्यमंत्री को इतनी स्पीड में और इतनी जल्दी टेन्योर में नहीं बदलते, जो कि बीजेपी ने किया। और तीसरा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी आई है, त्रिकोणीय मुकाबला, इसमें यदि वो पंडितों की नाराजगी और पुरोहितों की नाराजगी भी झेलेंगे तो भले ही वो 15 सीट में से कितनी सीट जीत पाए अलग बात है, लेकिन हाँ ये निश्चित तौर पे है कि वो भाजपा को इसका अच्छा खासा और नुकसान उठाना पड़ सकता है उनके लड़ने का, क्योंकि वो जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है वहाँ वो उसको चौकोणी बना देंगे और फिर स्थिति उतनी बीजेपी कंट्रोल में नहीं दिखेगी जितना आज बीजेपी दावा कर रही है। अब ब्रजेश, एक बात बड़ी सोचने वाली है वहाँ की राजनीति के लिए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि हर घर 1 रुपए में नल, साथ ही साथ 12,000 करोड़ आवंटित किया जाना जिसमें हर मौसम में वो सड़क जो है वो कार्यान्वित रहे, वो फंक्शनल रहे, इस तरह के डेवलपमेंट की भी बातें बीजेपी कर रही है और बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इस वजह से उनकी सरकार वापस आएगी और वो मिथक टूटेगा, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा कि ये जो डेवलपमेंट के नारे हैं, ये जो काम किए गई हुई बातें हैं, वो पीछे पड़ती हुई नजर आ रही हैं और पॉपुलिस्ट जो लोगों को सीधा सीधा प्रभाव कर सकता है वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। अब बिल्कुल देखिए, डेवलपमेंट अब एक मुद्दा ऐसा रह गया है कि जिसमें हर आज वोटर का मानना है कि जो भी सरकार आएगी वो हमारे हित में और प्रदेश के हित में तमाम ऐसे निर्णय लेगी जिससे सबका भला होगा, लेकिन साथ ही साथ सब आदमी, हर आदमी चाहता है कि जैसे भाजपा की सरकार से उनको उम्मीद थी कि भाजपा ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगा जो हिंदू विरोधी के तौर पे देखा जाएगा। ये देवस्थानम बोर्ड, जिसे आप यदि एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें तो अपने आप में अच्छा एक्ट था, इसमें कोई खामी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से इस एक्ट को पास किया गया, जिस तरह से इस एक्ट को लाया, ये एक्ट ही बीजेपी का वाटरलू साबित होने के लिए पर्याप्त था और भाजपा को इसकी पर्याप्त जानकारी थी, इसीलिए जिस चीज़ को खुद ही उन्होंने जोर शोर से 2020 में पास कराया, आज 2021 के एंड में आप देखिए उस बोर्ड को उनको पूरी तरह से भंग करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर जब चुनाव नज़दीक आता है तो डेवलपमेंट के साथ साथ ये सारे मुद्दे भी ऐसे होते हैं जो बेहद कारगर होते हैं, क्योंकि चुनाव कई बार बदलने में उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, एक दिन पर्याप्त होता है चुनाव की दिशा बदलने में। तो जाहिर तौर पर पुष्कर सिंह धामी कहा जाए तो T20 ही खेल रहे हैं, बहुत कम समय है और उन्हें अपने पार्टी को सत्ता तक पहुंचाना है और इसलिए वो ऐसे कई फैसले ले रहे हैं जो जनता को अपील करे, खास तौर पर उनकी नाराजगी को दूर करे और वापस बीजेपी सत्ता में आ सके, और यही वजह रही कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया, जबकि इसी पार्टी के मुख्यमंत्री ने बड़े ही कड़ाई से और साफ गोई से ये फैसला लिया था कि देवस्थानम बोर्ड बनाया जाएगा और जितने भी 53 मंदिर हैं उसके बारे में उसका जो फंक्शन है वो सरकार के जिम्मे होगा और उसके द्वारा जो अर्जित किया गया धन होगा उसकी एक राशि राज्य के डेवलपमेंट के काम भी आएगा। तो आप बने रहिए TV9 डिजिटल में, धन्यवाद, नमस्कार। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दे, जो सच्चाई का आदर करे लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।